जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मैथ अकेडमी में। दोस्तों आज का वीडियो, बहुत सारे बच्चों के मेरे को कमेंट और मैसेज आ रहे हैं किससे, रिगार्डिंग टू एसएससी जीडी नोटिफिकेशन, क्योंकि बहुत सारे इस प्रकार के नोटिस और कुछ चैनल पर आप देख रहे होंगे जिसमें अपडेट दी जा रही है कि भाई 6 जून से या जून के फर्स्ट वीक से फॉर्म भरे जाएंगे और जुलाई तक भरे जाएंगे या जून लास्ट तक भरे जाएंगे। इस प्रकार के काफ़ी अपडेशन चल रहे हैं, फालतू की नोटिफिकेशन भी, बहुत सारी नोटिफिकेशन भी दिखा रहे हैं, कुछ नोटिस भी दिखा रहे हैं, वायरल नोटिस भी दिखा रहे हैं, और बताया जा रहा है कि जून के फर्स्ट वीक से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐसी कोई अपडेट आई कि जून के फर्स्ट वीक से फॉर्म भरे जाएंगे एसएससी जीडी के। दोस्तों तो पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस प्रकार की जो भी आप न्यूज़ देख रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से। लेकिन कब आएगी नोटिफिकेशन उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों कि अभी तक अगर आपने प्ले स्टोर से कमांडो अकेडमी का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही कमांडो अकेडमी जो अपना चैनल है उस पर एसएससी जीडी आरपीएफ और आर्मी के कोर्स स्टार्ट हो गए हैं, एजुकेशन स्टार्ट हो गई है, मतलब उनकी प्रिपरेशन आप कर सकते हो यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी। और अगर पेड कोर्स लेना चाहते हो तो कमांडो अकेडमी का प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। 25 मई तक रजिस्ट्रेशन ओपन है और एसएससी जीडी के लिए स्पेशली 600 में जब तक एसएससी जीडी का एग्जाम होगा तब तक लाइव क्लासे प्लस रिकॉर्डेड क्लासे दी जाएगी दोस्तों। पीडीएफ नोट सभी प्रकार की सुविधा दी जाएगी, तो अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही मैं बता दूं कि एसएससी जीडी की जो नोटिफिकेशन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगी दोस्तों, बता दूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐसी कोई अपडेट नहीं है कि जून के फर्स्ट वीक में आएगी। लेकिन हाँ, नोटिफिकेशन में देरी सिर्फ लॉकडाउन की, जैसे ही लॉकडाउन देश में धीरे धीरे ओपन होता है, आप सभी को पता है अभी 25 मई के बाद में काफ़ी स्टेट में लॉकडाउन हट जाएगा और अगले 15 से 20 या 25 दिन तक बाकी सब जगह भी लॉकडाउन की स्थिति सामान्य हो जाएगी, यानी हटा दी जाएगी, सामान्य हो जाएगी। तो हो सकता है कि इसमें 1 से 1.5 महीना या 1 महीने का समय लग सकता है दोस्तों। लेकिन हाँ, एग्जाम डेट अभी तक पोस्टपोन का कोई भी नोटिस नहीं है किसी भी प्रकार का। लेकिन हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि आपका जो एग्जाम अगस्त में होना था वो अगस्त से अक्टूबर या नवंबर में जा सकता है या सितंबर में हो सकता है, क्योंकि अभी जल्दी इतना जल्दी एग्जाम करा पाना कोई भी सरकार रिस्क नहीं लेगी। लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगस्त में नहीं होगा, तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, समय है उसको सही से यूटिलाइज करिए, क्योंकि आपके पास में समय खराब नहीं करना लॉकडाउन की वजह से। ठीक है दोस्तों, तो नोटिफिकेशन की अपडेट ये गलत है कि 7 जून को आएगी, 8 जून को आएगी, 10 जून को, ये ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है। लेकिन हम 15 जून के बाद में या जुलाई के महीने में नोटिफिकेशन आ सकती है, 15 जून के आसपास आ सकती है, अगर लॉकडाउन की स्थिति सब पूरे देश में सामान्य हो सकती है। जैसे ही लॉकडाउन की स्थिति सामान्य होगी पूरे देश में नोटिफिकेशन आ जाएगी दोस्तों। बाकी जो भी आपको ऐसा बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत ही न्यूज़ है। जय हिंद, जय भारत।